ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम वंस अगेन। तो गाइज, थंबनेल देख के आप आए होंगे, तो आपका वेलकम है फिर से एक बार हमारे अपने इस चैनल में। तो गाइज, आज थोड़ा बाहर घूमने आया हूँ, विच इज़ राइट नाउ आई एम इन उलवे सेक्टर 19B। और आपने ये प्लेस शायद ही कहीं देखा होगा, ये पूरा कोस्टल रोड है, आगे पूरा सी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 चार टेम्पल है, विच इज़ इन सेक्टर 19B, उलवे में आता है ये चार टेम्पल। और आगे एक लेक है, वो भी मैं अच्छी तरीके से आज एक्सप्लोर करूँगा। बहुत दिनों से मैं देखता था कि भाई साहब उधर से लोग आते हैं, कोई घूमने आता है, कोई रनिंग करने आता है, तो एग्जैक्टली आते कहाँ है ये लोग। सो मैं देखा, इधर आके तो देखा कि चार टेम्पल यहाँ पे है एंड आगे एक लेक है, जस्ट लाइक अ ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई का जो लेक है, पूरा राउंड मार सकते उसी टाइप का है, लेकिन वो बहुत बड़ा और एडवांस है, थोड़ा सा नहीं, लेकिन बना सकते सिडको वाले इसको भी। लेट्स चेक कि क्या होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जियो के इंस्टीट्यूट्स, सेक्टर 19 वाले जियो इंस्टीट्यूट्स, NMSES नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, NMSES के इंस्टीट्यूट है, रिलायंस के नवी मुंबई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सेक्टर 19 में, ये ए में आता है शायद, और ये पूरा सेक्टर 19 में आता है। तो गाइज, आज पूरे मंदिर एक्सप्लोर करेंगे, शायद इस मंदिर, ये मंदिर शायद क्लोज है, आगे वाले शायद ओपन है, तो सब कुछ देख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे लेक, लेक कैसा है वो भी देखेंगे छोटा वाला। तो गाइज, पहला जो मंदिर है वो है लिंगेश्वर टेम्पल, आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करता हूँ, पहला वाला है लिंगेश्वर, दूसरा है गणेश टेम्पल, तीसरा है दत्तात्रेय टेम्पल एंड चौथा है शनि महाराज टेम्पल। सो गाइस, ये पूरी रही टेम्पल की इन्फॉर्मेशन। एंड अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा, तो वो चेक करना। और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक अभी बढ़ रही है, शाम के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही पब्लिक बढ़ती है, लेकिन ठीक है। अच्छा, ये वाला थंबनेल अच्छा रहेगा कि लेक वाला, लेट्स डिसाइड यार। चलो अभी चलते यार। सो गाइज, हम लोग आ गए हैं अंदर, अभी देख सकते हो आप यहाँ पे है चारों मंदिर। ये दूर से थोड़े डिस्टेंस दिख रहे थे, मतलब डिस्टेंस पे दिख रहे थे, लेकिन पास से ना बहुत ही नज़दीक है। तो गाइज, एक्सप्लोर करते हैं अभी तीनों मंदिर। फर्स्ट वाला तो मुझे लगता है लॉक है, नेक्स्ट वाला गणेश जी का टेम्पल है वो खुला है, एंड देन यहाँ पे दत्तात्रेय का गुरुदेव दत्त सेवा ट्रस्ट से जो टेम्पल है मोरावे, एक्चुअली मोरावे गांव में आता है, बवन डोगरी में कंसीडर किया जाता है शायद से। तो गई सभी चारों मंदिर थोड़े थोड़े करके एक्सप्लोर करेंगे, फिर उस तरफ लेक की तरफ जाएंगे। और बच्चे लोग ना बहुत खेल रहे यार, देखते आगे जाके। सो गाइस, देख सकते हो यहाँ पे एक शिवलिंग है एंड शिव जी का ये पूरा टेम्पल है। सो अभी तो लॉक है, पूरा पैक किया है, देख सकते हो आप जो ऊपर का लाइटिंग वगैरह सब पैक है। सो अंदर तो जाने नहीं देंगे ये लोग, ठीक है, लेकिन बाहर से एक्सप्लोर किया। और यहाँ पे एक तुलसी है अच्छी तरीके से, एंड ये रहा पूरा इन्वायरमेंट। अभी नेक्स्ट टेम्पल में चले जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टेम्पल में कैसा है। और बहुत इंटरेस्ट से बैटल वॉल खेल रहे हैं, नो डाउट। अभी चलते हैं इस टेम्पल में। वाओ, कितना फ्रेम में ग्रैंड एंट्री लग रहा है ना, वाओ।
सो गाइज हम लोगों ने मंदिर में एंटर कर चुके हैं एंड अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं गणेश जी की वाव। और यहाँ पे लिखा है मंदिर, फुल फॉर्म ऑफ मंदिर मंगलमय दिव्य रम्य असे ठिकान मंजेस मंदिर हुए। बेस्ट, बढ़िया यार। और इन लोगों को सैल्यूट यार, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन रखा है एकदम टेम्पल, वाव ऑसम। गुड गुड। सो गाइस अभी गणेश जी का टेम्पल और ये टेम्पल दोनों एक्सप्लोर अच्छे तरीके से कर लिया होगा आपने भी और मैंने भी। अभी चलते हैं इस वाले टेम्पल पे और उसके बाद और एक टेम्पल है वो भी कवर करते हैं। यहाँ से शॉर्टकट नहीं मारते, आगे से एग्जिट होके जाएंगे, लेट्स गो। चलो अभी गाइस इस टेम्पल में चलते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पे कैसा है। भाई क्लीनलेस के मामले में ना मंदिर बहुत ही अच्छे तरीके से, शाम को बहुत पीसफुल लगता है यार मुझे। पता नहीं इधर आके थोड़ा सा 6 बजे ऑफिस की छुट्टी होने के बाद इधर आओ बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऑफ बहुत ही क्लीन तरीके से रखा है, मानना पड़ेगा। सो गाइस कुछ इस प्रकार का है ये टेम्पल एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड विल एक्सप्लोर लास्ट वाला टेम्पल जो है यहाँ पे शिव भगवान का। और यहाँ पे भी शायद लॉक है लेकिन इट्स ओके, अभी देख सकते हो आप। वाव बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है और यहाँ पे ये कुत्ता हमेशा बैठता है तो इसको भी आप याद रखें। सो गाइस इस प्रकार के कुछ यहाँ पे वाइब्स है। शाम में आओ दोपहर को आने में मतलब नहीं, बहुत धूप रहेगी शाम में। इस इधर की वाइब्स ना बहुत अच्छी, उधर से सनसेट हो रहा है एंड ये पूरे टेम्पल पीस, हैशटैग पीस इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बैठने के लिए बहुत जगह है एंड यहाँ पे भी देख सकते हो बैठने के लिए बहुत जगह है। तो चलो अभी एक मंदिर के अंदर क्या है एग्जैक्टली वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे नंदी जी है एंड अंदर अंदर भी शिवलिंग है। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो वेल भी है शायद, लेकिन ये पूरा पैक है देख सकते हो आप बड़ी वाली। ये एक छोटा टेंपल है एंड ये एक टेंपल है। पूरी वाइब्स यहाँ की आपको मैंने दे दी है और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना यार। और ये मंदिर शायद से मंडे खुलने वाला है और मास नहीं तो प्रवेश नहीं, वो पता है आपको। और मुंबई में और ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है गाइस तो मास्क लगाओ यार। मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल वाले भी मास्क नहीं लगा रहे, ऐसा मत करो। तो गाइस चलो चलते हैं अभी उस तरफ, सीधा जाओगे आप तो
वो लेक मिल जाएगा, उसका व्यू थोड़ा सा देता हूँ। शाम को थोड़ी वाइब्स अच्छी रहती है, इसके लिए मैंने शाम को डिसाइड किया है ये प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइस, शगुन स्क्वायर या ट्रेन से आप सीधा सीधा आगे जाओगे ना सेक्टर 19 से, तो राइट साइड में ये चार टेम्पल एंड वो लेक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप का लिंक है, चेक करो, आ जाओ यहाँ पे, पैरी पैरी वाइब्स लो। चलो अभी लेक की तरफ जाते हैं, अपना ब्लैक बीच लेके जाएंगे, चल के नहीं जाएंगे। और थोड़ा शाम हो रहा है, लेकिन शाम की थोड़ी वाइब्स ज़्यादा रहती है मेरे दोस्त। पब्लिक तो यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा है। सो गाइस, मैं आ गया हूँ आगे और देख सकते हैं यही वो लेक है जिसके बारे में आपको अभी बता रहा था मैं। एंड लुक एट द लेक, यहाँ बैठ के आप थोड़े टाइम के लिए चील मार सकते हो। एंड इवनिंग का और भी मस्त व्यू आ रहा है आपको, होप सो आ रहा होगा। एंड ये देखो, सो गाइस, ये पूरा ऐसा राउंड भी मार सकते हो, देखो लोग यहाँ से जा रहे हैं, राउंड भी मार सकते हो जस्ट लाइक अ जेवल्स ऑफ नवी मुंबई। एंड आगे कोली लोग का एक दरिया है जहाँ पे बोट पार्क्स होते हैं कोली लोग के, वो भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा एंड देन वी विल क्लोज दिस व्लॉग। सो गाइस, कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड ये देखो, यहाँ पे ब्लैक बीस्ट खड़ी है एंड ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एंड दिस इज द होल लेक वी हैव। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर जिसको पता नहीं है, आपको पता है तो ठीक है, जिसको पता नहीं उसके साथ शेयर करो। और ये मून बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और इसमें जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं ना लाइट्स के, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, थोड़ा टाइम पास करने के लिए जगह अच्छी है, नियर टू उलवे या फिर बेलापुर में जो भी रहते हैं उनके लिए भी अच्छी है, आ सकते हो। और थोड़ा आगे आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सागरी सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर भी है। एंड ये पूरा लेक भाई साहब बहुत बड़ा है यार, मुझे लग रहा था छोटा है लेकिन अच्छा खासा है। और ये है कोली लोग का दरिया जहाँ पे मैं बोल रहा था आपको, बोट पार्क्स है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, बहुत सारे बोट पार्क्स है। इसको आगे शायद लेके जाते हैं, आगे पूरा खाड़ी है तो आगे लेके जाते हैं एंड वहाँ से ये लोग फिशिंग करते हैं मे बी। और यहाँ पे भी बोट है, इधर भी शायद बोटिंग हो सकती है यार, आगे जाके बोटिंग हो सकती है यहाँ पे। सो थोड़ा अच्छा है, और ये देख लो पूरा व्यू। सो गाइस, बहुत अंधेरा हो रहा है, आप देख सकते हो मून भी आ गया है। सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, बहुत अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हो। एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से सब्सक्राइब करो, अच्छे लग रहे वीडियोस तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड वीडियो को शेयर करो। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कहीं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन और नई वाइब्स लेके। तब तक के लिए एज यूजुअल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, वंदे मातरम।